मीना वेंट टू ए बैंक टू विदड्रॉ 2,000 रुपीज. सी आस्क द कैशियर टू गिव हर 50 रुपीज एंड 100 रुपीज नोट्स ओनली. मीना गॉट 25 नोट्स इन ऑल. फाइंड हाउ मेनी नोट्स 50 रुपीज एंड 100 रुपीज सी रिसीव्ड. तो मीना बैंक में गई और उसने 2,000 रुपीज विदड्रॉ किए और उसने कैशियर से पूछा था कि 50 रुपीज़ और 100 रुपीज़ वाले नोट्स ही चाहिए मुझे. और मीना को कितने नोट मिले? 25 नोट्स मिले. तो हमें बताना है कि 50 रुपीज़ वाले कितने नोट्स हैं और 100 रुपीज़ वाले कितने नोट्स हैं. तो मान लेते हैं 50 रुपीज़ के जो नोट्स हैं वो टोटल नोट अपने पास कितने हैं? एक्स नोट हैं. और 100 रुपीज़ वाले जो नोट्स हैं वो कितने नोट हैं? वाई नोट है. अब टोटल नोट उसने उसने कितने दिए थे? 25 नोट्स. मीना गॉट 25 नोट. यानी इन दोनों को मिलाकर एक्स प्लस वाई इक्वल टू अपने पास कितना है? 25 है. ये अपनी फर्स्ट इक्वेशन है ही. और साथ ही साथ 2,000 रुपीज़ उसने विड्रॉ किए. तो रुपीज़ और फाइंड करना है. तो 50 रुपीज़ वाले अपन ने कितने नोट माने हैं? तो 50 रुपीज़ के अपन ने नोट माने हैं एक्स. मैं कहूँ कि आपके पास 10 नोट हैं 50-50 रुपये के, तो आप कहेंगे कि 50 × 10 मतलब आपके पास कितने हैं? 500 रुपीज़ हैं. यानी कि हमेशा करेंसी को मल्टीप्लाई करते हैं नोट से, तो अपने पास टोटल जो मनी है वो आ जाती है. तो 50 रुपीज़ का नोट है और कितने नोट हैं? एक्स. तो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये अपने पास रुपये आ गए. प्लस 100 रुपीज़ वाले कितने नोट हैं? वाई नोट. मैं कहूँ कि आपके पास 5 नोट हैं, 100-100 रुपये के 5 नोट हैं आपके पास, तो रुपये कितने हो गए? 500. मल्टीप्लाई कर लिया 100 को 5 से. तो 100 रुपीज़ वाले नोट कितने हैं? वाई. तो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी कॉस्ट आ गई, यानी रुपये आ गए अपने पास. और टोटल रुपये कितने थे? 2,000. तो इक्वल कर दिया 2,000 के. ऐसे क्वेश्चन एट्थ क्लास में थे. तो यहाँ से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 50 को एक्स से, तो 50x आ गया. 100 को वाई से मल्टीप्लाई करेंगे, 100y आ जाएगा. इक्वल टू अपने पास आ गया कितना? 2,000. यहाँ पर अच्छे से नज़र आ रहा है कि 50 कॉमन आ रहा है, तो 50 को कॉमन करेंगे तो इधर क्या रह जाएगा? एक्स. और 52 जो 100, यहाँ पर आ जाएगा 2y इक्वल टू 2,000. तो एक्स प्लस 2y और 50 जाएगा डिवाइड के अंदर, तो 2,000 अपॉन 50. तो यहाँ से इसे डिवाइड कर देंगे तो x प्लस 2y जो इक्वेशन है वो अपने पास आ जाएगी 0 से. तो 0 ये कट हो जाएगा, 5 × 4 = 20 और ये 0. ये अपनी सेकंड इक्वेशन आ गई. सेकंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन को माइनस कर लेते हैं तो अपना काम हो जाएगा, क्योंकि x है, x से कट जाएगा. तो x प्लस वाई इक्वल टू जो 25 था उसे लिखा, दोनों इक्वेशन को माइनस कर लेते हैं. माइनस की वजह से साइन चेंज हो गए, x माइनस x ये कटा. 2y में से माइनस हो गया y, तो अपने पास एक y रह गया, तो यहाँ पे आ जाएगा y. 40 में से माइनस किया 25, तो अपने पास कितना आ जाएगा? 15. तो y की वैल्यू तो हम लोगों ने फाइंड कर ली 15, यानी कि 100 रुपये के कितने नोट हैं? 15 नोट, यानी 1500 रुपये 100-100 रुपये के अकॉर्डिंग उसने दिए. अब दूसरा फाइंड करना है तो x प्लस वाई में वैल्यू पुट कर दीजिए. तो हमें निकालना है x, तो x प्लस वाई की जगह लिख दिया 15 इक्वल टू आ गया 25. तो x इक्वल टू 25 माइनस 15 हो जाएगा, और x की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी? 25 में से माइनस किया 15, तो अपने पास आ गया 10. और 50-50 रुपये के अपने पास कितने नोट हैं? 10 नोट. आप लोग इसे आसानी से चेक कर सकते हैं बहुत ही ईजी तरीके से. तो 50 × 10 50-50 रुपये के 10 नोट हैं, तो कितना हो जाएगा? 500 रुपये हो गए. और 100-100 रुपये के कितने नोट हैं? 15 नोट हैं, तो 1500 रुपये वो हो गए. तो इस तरीके से 2,000 रुपये टोटल अपने पास आ गए. और इन दोनों को प्लस करेंगे तो 25 नोट हो ही रहे. इसी इक्वेशन को आप लोग सिंगल वेरिएबल से भी कर सकते थे, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है 25 नोट्स हैं. तो मैं कहूँ कि एक्स और वाई मानने की जगह मैं कह देता हूँ 50 रुपीज़ वाले कितने नोट हैं? एक्स. तो 100 रुपीज़ वाले कितने नोट हो जाते, क्योंकि टोटल 25 हैं. तो 25 माइनस एक्स, ये भी हम लोग क्या कर सकते थे? सीधे सीधे लिख सकते थे और सॉल्व कर सकते थे. तो आप लोग जैसे भी सॉल्व करना चाहें कर सकते हैं. तो वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें. मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में. थैंक यू.